धमतरी शहर में दिन दहाड़े चाकूबाजी की घटना से हड़कंप मच गया। जिला अस्पताल के पास हुए चाकूबाजी में दो युवक घायल हो गए, जिनका इलाज जिला अस्पताल में जारी है। वहीं कोतवाली पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए उस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर उनका शहर में जुलूस निकाल कर थाने ले गए हैं। बताया जा रहा है कि ग्राम पोटिया डीह निवासी जितेश पटेल किसी काम से जिला अस्पताल रोड नेहरू गार्डन के पास आया था। इसी दौरान आरोपी आकाश मसीही और नंद कुमार साहू के पास है और शराब पीने के लिए पैसे मांगने लगे। वहीं पैसे नहीं देने पर एक आरोपी ने उसके जांघ पर चाकू मार दिया। इसके साथ ही गार्डन के पास खड़े एक अन्य युवक को भी चाकू मारकर फरार हो गया। सूचना पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और आरोपियों को दबोच लिया और जुलूस निकालकर दोनों आरोपियों को थाने ले गए। वहीं आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। नेहरू गार्डन में एक घटना घटी है जिस पर भी हम लोग दोनों को अरेस्ट किए हैं इसमें, और ये आकाश मसीह और नंद कुमार साहू ये दोनों व्यक्ति हैं जिन्हें चाकूबाजी की है। अरेस्टिंग की गई है, कार्रवाई की जा रही है। दो लोग को मारे हैं, अभी गंभीर चोट नहीं है, परंतु जिस प्रकार से उनसे पैसे की मांग करके मांग किया गया और मांग करने के बाद में उनसे चाकूबाजी की गई है, उस हिसाब से 327 कार्रवाई की जा रही है और साथ में जो आम सेक्टरी उनका चाकू सा बनता है तो भी की जाएगी।